चूंकि गीत आध्यात्मिक हुआ है तो वैसी ही एक कटपीस आपको दे रहा हूं। एक गीत आया, मेरी रूह का परिंदा पर फड़ाए, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा। ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर में एक आत्मा है जो हमको चलाती है और एक परमात्मा है। शरीर ये आत्मा आजीवन परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती रहती है, लेकिन मिल नहीं पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? सदा आत्मा परमात्मा से मिलना चाहे, लेकिन लेकिन मन माया माया में भरमाए। सोच जरा, जाए लेकिन तू करता कल कल जीवन में कल न पाए। सोच जरा, सोच जरा, आया कहां से बंदे, जाएगा कहां तू बंदे, छोड़ दे ये गोरख धंधे, फुर्सत मिले। आया कहां से बंदे, कहा तू बंदे, छोड़ दे ये गोरख धंधे, फुर्सत मिले, फुर्सत मिले, फुर्सत मिले, फुर्सत मिले, फुर्सत मिले। बस यही गंदी आदत है। मैं कह रहा हूं फुर्सत मिले, और नीचे वाले कह रहे फुर्सत मिले। यही बड़ी परेशानी है, चाहे 100 ग्राम दे चाहे 2 ग्राम दे। आया कहां से बंदे, जाएगा कहां तू बंदे। ये थोड़ा थोड़ा बीच में हम लोग मनोरंजन करते रहते हैं आप लोगों का, और समझदार तो इशारा ही काफी है। आया कहां से बंदे, जाएगा कहां तू बंदे, छोड़ दे ये गोरख धंधे, फुर्सत मिले,
फिर से समझ लीजिए, फुर्सत मिले। आ रहे हैं हमारे बीच में बहुत ही अच्छी कलाकार। अच्छा अच्छा गीत गाया आपने आदरणीय सुरेश सितारा जी, हम सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। तो अब हमारे बीच आदरणीय पद्मा शर्मा जी आएंगी, उससे पहले मैं चार लाइन आप सभी को सुनाना चाहूंगी, और बात अच्छी लगे तो तालियों से आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। खोकर पाने का मजा और ही है, खोकर पाने का मजा और ही है, रोकर मुस्कुराने का मजा और ही है, रोकर मुस्कुराने का मजा और ही है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, क्योंकि हार के बाद जीतने का मजा तो कुछ और ही है। बहुत बहुत धन्यवाद है। चार लाइन और सुनाना चाहूंगी। दुनिया के हर शौक को पाला नहीं जाता, दुनिया के हर शौक को पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, आसान क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आपके बीच आ रही हैं पद्मा शर्मा जी, तब तक के लिए धन्यवाद। ढोलक का बड़ा महत्व है, इसलिए आज मैं देख रही हूँ कि जो जवाबी कीर्तन का मंच लगा है इसमें बहुत सारे ढोलक वादक आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। और क्या, एक तो छोटा रिचार्ज बैठा है और उन सभी लोगों को एक एक छोटा छोटा मौका मिलता रहे। आओ क्या, ये मुझसे कहा गया है तो मैं कोशिश करूंगी। जैसे कि आपका नाम बताइए। शिवा, उन्नाव से। उन्नाव से हमारे यहाँ जो ढोलक वादक हैं श्री चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी, वो पीछे बैठे हैं, और ये शिवा जी हैं, ये उन्नाव से हैं, शिवा सैलानी जी। तो इनकी इच्छा थी तो एक संगत इनके साथ भी हो जाए। और भी ढोलक वादक बैठे हैं, श्याम बाबू भैया बैठे हैं। हाँ, राम बाबू भैया। अच्छा, राम बाबू तो आइए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, सब लोग सुनिए, जितने भी लोग हैं। मैं, मुझे बहुत ज्ञान नहीं है लेकिन जितना मुझे लगता है, संगीत में कभी भी शोर नहीं होना चाहिए। ना, ना, ना। शोर अगर होगा तो लोगों तक आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी। ना। पहुंचने का मतलब बात आपकी साफ समझ में आएगी नहीं, और जब किसी को आपकी बात ही नहीं समझ में आएगी तो फिर गाने का कोई मतलब नहीं है। तो गाना बजाना ऐसा हो कि वो समझ में आए। गाने बजाने का मतलब चीखना नहीं है। ना ना ना, ये सबके लिए है, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं, ये सबके लिए ना, है ना। चार पंक्तियां आपको सुना रही हूं, किसी बहुत अच्छे शायर ने लिखा है कलम से। किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते। बात अच्छी लगे तो तालियों से आशीर्वाद चाहूंगी। और पीछे हमारे केएस चैनल के श्री संजय जी बैठे हैं और पद्मिनी जी, उनका बड़ा रोल है, पीछे कैमरा चल रहा है और आपका भी कैमरा चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप इस तरफ आ जाएं। जरूर, हाँ, थोड़ा सा और आ जाए, दोनों कैमरे अपना काम करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। बात अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगी। कि किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते। हेलो। फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इन पलों को हंस के दोस्तों। साहिल भाई, जी लो इन पलों को हंस के दोस्तों, फिर लौट के वो दोस्ती के जमाने नहीं आते।
वाह जी वाह, समझो तो। सितारा जी आपने कहा कि पद्मा जी अन्यथा न लीजिएगा, क्योंकि आपने कटपीस की तर्ज गाए कि अगर तुम ना होते तो मैं कह रहा हूं कि अगर तुम ना होती हम अन्यथा क्यों लेंगे। हम आपको कभी अन्यथा नहीं लेते बल्कि यथा लेते हैं। हम आपको हमेशा यथा लेते हैं, अन्यथा नहीं लेते। और अगर तुम ना होती, आपने कहा हमें मालूम है कि आज आप अपनी धर्म पत्नी को बार बार मंच पर बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे थे कि अगर तुम मेरे कपड़े उठा कर धोती। ये कौन सी बात नहीं, वो अगर तुम ना होती वो कपड़े उठा कर ना धोती, होती धोती धोती होती। मैं समझ गई। तो आपको तो प्रणाम किया ही है, क्योंकि आप हमारे आज के सहयोगी और प्रतिद्वंदी दोनों ही कलाकार हैं। लेकिन जो घर की मेन आर्टिस्ट हैं, हेडक्वार्टर जहां से अगर आपको परमिशन न मिले तो ये सितारा जगह जगह चमक नहीं पाएगा। ना ना ना, तो मैं आपके माध्यम से उनको भी प्रणाम कर रही हूँ। आइए चलते हैं, चार पंक्तियां और आपको सुना रही हूँ। कुछ लोग हृदय पर ऐसा असर कर जाते हैं, कुछ लोग हृदय पर ऐसा असर कर जाते हैं, टूटे हुए दर्पण में भी पूरे नजर आते हैं, मिलते हैं वो हमें कुछ समय के लिए। जैसे कि संजय जी, मिलते वो हैं हमें कुछ समय के लिए, पर जीवन भर के लिए दिल में उतर जाते हैं। अब आइए, आपका रूह का परिंदा बड़ा फड़फड़ाता रहता है जब। हम देखते हैं जहां देखो वहीं रूह का परिंदा फड़फड़ा रहा। अरे कब तक फड़फड़ाएगा ये? इसको पीने में बंद करो, कुछ दाना वाना खिलाओ। हम बहुत दिन से सुन रहे हो, उसको पिंजरे इंजरे में तो नहीं बांधे हो आप? हाँ, बड़े आराम से, बड़े प्यार से। मैं की करा, मैं की करा, मेरी रूह का जजीरा उड़ न पाए। मैं की करा राजण दियार बुलिया, दिल दा करार बुलिया, तू ही तो प्यार बुलिया मुर्शिद मेरा। राजण दयार बुलिया, दिल दा करार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा। ये है ऐसे मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा। ये निपट गई तर्ज। गाड़ी लाइन पर है, अच्छी बात है। श्री कमलेश जी, जो कि बहुत अच्छा गाने वाले हैं और बहुत सारी क्वालिटीज हैं इनके अंदर, कमलेश हितैषी जी, आपके माध्यम से आशीर्वाद आया है, पुरस्कार आया है, मैं धन्यवाद दे रही हूं। और कटपीस का जवाब सुनिए। राजण दयार बुलिया, दिल दा करार बुलिया, तू ही तो प्यार बुलिया
मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा। ये तर्ज है। अब मैं कुछ कहूंगी नहीं, आप इतने सधे हुए कलाकार हैं, लेकिन जितने सधे आप कलाकार हैं, इतने सधे और लोग हो ये जरूरी नहीं है। ना, ना। तो आइए, आपने गाया है इस कट पीस को, तो हम आपको सीधे सीधे जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, कुछ कहना नहीं है कि आपने मेरे कट पीस का जवाब क्या दिया। ना 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 कहने, क्योंकि हमेशा हम ये सोचते हैं कि इन बातों में समय न बर्बाद हो, जितना ज्यादा जनता को हम सुना पाएं वही अच्छा है। तो सिंपल सी बात जिससे आप सभी लोग भी सहमत होंगे, राम नाम वाला है। राम नाम पार लगाए, हर क्षण ये काम आए, हर क्षण ये काम आए, गुन ले जरा ये, गुन ले, यानी राम 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 करते थे। तो माता ने कहा कि आपको सब लोग इतना बड़ा मानते हैं, लेकिन आप किसका सुमिरन सदैव करते हैं। तब शंकर भगवान ने कहा कि जो मेरे इष्ट हैं, जिनको मैं बड़ा प्रेम करता हूं, विष्णु जी जो कि त्रेता में राम हुए, मैं उन्हीं का सुमिरन करता हूं। इसीलिए राम अभी राम है, पावन नाम है, मोक्ष का धाम है, तो गुन ले जरा, 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 गुन ले जरा। बोले राजा रामचंद्र